नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 8 अगस्त शनिवार का दिन। आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। आपको बताएंगे आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, किस प्रकार के कार्य को करना आपके लिए शुभ साबित होगा, किस प्रकार से समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी इज्जत कर सकते हैं, आपके मान सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा में किस प्रकार से बढ़ोतरी होंगी और किस प्रकार से आप अपने दैनिक दिनचर्या में बेहतरीन परिवर्तन कर सकते हैं, आपने जो कर्ज उधार या लोन ले रखा है उनको किस प्रकार से चुका सकते हैं तथा आपके घर में किस प्रकार से विशेष रूप से पैसों से जुड़ी आर्थिक तकलीफों से आपको छुटकारा प्राप्त होंगी। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन, आज यानी 8 अगस्त शनिवार का दिन काफ़ी शानदार रहने वाला है। आप धार्मिक विचार वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म कर सकते हैं जिसके लिए आपके सामाजिक लोकप्रियता भी बढ़ने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन आनंदित रहेगा और मानसिक रूप से आप काफ़ी शांत रहेंगे। आप दूसरों के लिए मददगार होंगे तथा लोग इसके लिए भी आपको बहुत सम्मान करने वाले हैं। आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन होने वाला है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होंगी। आप नया उद्योग शुरू करने में सफल हो सकते हैं। आप धार्मिक स्तर में तेज गति से वृद्धि करने में सफल होंगे। आपकी इच्छाएं, आपके जो पोषित इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी तथा यदि आप सहयोग लेने के लिए इच्छुक हैं, यदि आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आप बेझिझक अपने वरिष्ठ अधिकारी की मदद ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ लोग आपके हर संभव सहायता करेंगे, साझेदार आपका भरपूर समर्थन करेंगे और आप आर्थिक लाभ के अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नए परिचितों द्वारा धोखा खाने से बचने के लिए आप अपने विकल्पों को समझदारी से चुनें। पारिवारिक जीवन भी आपका तनाव से दूर हो सकता है। परिवार में चल रहे पारिवारिक क्लेश दूर हो सकते हैं और आपको अपने आर्थिक स्थितियों को चतुराई से निपटने की विशेष जरूरत रहेंगे। आपको अपनी स्थितियों में नियंत्रण करने होंगे, मन में शांति की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आपको व्यक्तिगत और मौद्रिक मामलों में संतुलन बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आपके जीवन में आपको खुशखबरी तथा कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि ये अवधि मिश्रित परिणाम प्रदान कर सकते हैं। व्यवसायिक और आर्थिक प्रगति के लिए एवं सम्मान पाने के लिए अवधि अनुकूल है। आप धार्मिक बनेंगे और संघर्ष करने के बाद विजयी होंगे। अपने भावों और विचारों के संबंध में हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह बना हुआ कार्य बिगाड़ सकते हैं। आपको उधार लेन देन से बचना चाहिए, साथ ही सट्टा से निवेश में भी आपको बचने चाहिए। आप सट्टेबाजी में निवेश न करें। पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतरीन रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। हड्डियों और किडनी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे जातकों के लिए यह समय मुश्किल से भरा हो सकता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार के भावना त्मक भागीदारों और लंबी यात्रा से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के मध्य में आपकी अशांति आपके लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। ऐसे में परिवार के लोगों के साथ आपको घुलने मिलने तथा परिवार के साथ बेहतरीन वार्तालाप करने के मौके भी प्राप्त होंगे। सरकार या उच्चाधिकारी से आपको अच्छे समर्थन की उम्मीद हो सकती हैं। आपके उच्चाधिकारी आपके जीवन में आपका सहयोग कर सकते हैं। टैक्स से संबंधित मामलों में भी आपको चिंताएं मुक्त होंगी। आप अपने टैक्स को सही समय पर जरूर भरने की कोशिश करें। आप अपने संपर्कों के कारण व्यापारिक एवं व्यवसायिक संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने प्रयासों में चौथरूपा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपकी इच्छा शक्ति भी अवश्य बढ़ेंगी। आपके परिवार के बुजुर्गों का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होंगे तथा परिवार के बुजुर्ग सभी उपक्रमों में खुशी खुशी
आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ पुराने परिचितों से आप मिल सकते हैं। आप अपने द्वारा किए गए किसी भी निवेश में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन संतुष्ट एवं शांत रहेगा। यदि आप जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो आपका समय आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे तथा आपको आपके जीवन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होंगी। और मुखर होने के नाते आप अपने मन की बातों को पारिवारिक सदस्यों से कह पाएंगे। इस बार आप अपने चतुराई से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। छात्रों और श्रमिक वर्ग के लिए दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति अवश्य होंगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से राय लेकर कार्य करना भी आपके लिए शुभ होगा। और आपको अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको परिणाम उचित प्राप्त होंगे। आप खान पान पर ध्यान जरूर देखें। आपको कुछ पहाड़ी इलाकों में यात्राओं पर जाने के मौके भी प्राप्त होंगे। कुछ लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। इस अवधि में आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। आपका सम्मान होगा तथा ख्याति भी आपकी बढ़ने वाली है। व्यापार का विस्तार हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएंगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत होंगे। परिवार के सदस्यों से आपके संबंध मधुर होंगे, किंतु संतान या उसकी शिक्षा को लेकर आपको चिंताएँ हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान के जीवन में चल रहे दुविधापूर्ण स्थितियों को दूर करने की विशेष जरूरत रहेंगे तथा आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में आपका सुखद वातावरण बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को कामकाज का बोझ अधिक महसूस हो सकता है। व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग भी अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु आक्रामकता से आपको बचने की जरूरत रहेंगे। आप असुरक्षा भावनाओं को अपने मन में अपने दाने। आपके जीवन में आपको सफलता जरूर प्राप्त होंगी। कार्यस्थल में वाद विवादों से बचे रहने की आप अवश्य कोशिश करें। और अगर कोई पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो इस संदर्भ में भी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। पारिवारिक विवादों में आप स्वयं को दोष ना दें। आपको खुलकर अपने मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप अपने परिवार और दोस्तों और प्रियजनों के साथ वक्त बिताने के मौके भी प्राप्त होंगे। आपको पैरों में थोड़ी बहुत तकलीफों या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कुंभ राशि के जातकों को धैर्य से अपने कार्य को पूरा करने की जरूरत रहेगी। जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने की आप अत्यंत कोशिश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बेहतरीन और काफी शुभ रहने वाला है। आप अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।